नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिक्चर इफेक्ट के सॉफ्ट एजेस के बारे में। जी हाँ, पिक्चर इफेक्ट का सॉफ्ट एजेस ऑप्शन तभी ओपन होगा जब हम कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट वाले टैब पर जाएंगे। पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर इंसर्ट करने के अलग अलग ऑप्शन क्या है, इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। ये पिक्चर इंसर्ट कर लिए है हमने। पिक्चर इंसर्ट करते ही पिक्चर फॉर्मेट का नया टैब ओपन हो गया है। इसी में हमारे पास पिक्चर इफेक्ट और यहाँ पे सॉफ्ट एजेस के ऑप्शन मिलेंगे। पिक्चर थोड़ी बड़ी है तो उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये मैंने पिक्चर को छोटा कर दिया है, पिक्चर या इमेज कह सकते हैं आप इसे। इसको छोटा करते ही ये पूरा इमेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर इफेक्ट ऑप्शन है। तो पिक्चर इफेक्ट ऑप्शन को समझने के लिए हम पिक्चर इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सॉफ्ट एजेस पर जाएंगे और यहाँ पे ये सारे ऑप्शन देखेंगे। इसके पहले हम प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो वाले टॉपिक पर भी वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप इसे देख सकते हैं। चलिए सॉफ्ट एजेस पर चलते हैं। पहला ऑप्शन है नो सॉफ्ट एजेस। अभी आप देखिए ये ऑप्शन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, कोई भी एजेस में सॉफ्टनेस नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। इसका डुप्लीकेट बन गया है। अब इस पर क्लिक करता हूँ, पिक्चर फॉर्मेट पे जाऊंगा, पिक्चर इफेक्ट के ऑप्शन पे जाऊंगा। सॉफ्ट एजेस पे पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर आप देखिए 1 पॉइंट लिखा हुआ है। तो आप इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं। ये 1 पॉइंट से थोड़े से इसके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से पिक्चर इफेक्ट, फिर से लेआउट पे, पिक्चर स्टाइल में, पिक्चर इफेक्ट्स में जाके सॉफ्ट एजेस पर यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें 2.5 पॉइंट है, आप देखिए ये सिलेक्ट करते ही यहाँ पे एजेस में थोड़ा फर्क पड़ने लग गया है, थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंस पता चल रहा होगा, कितना डिस्टेंस आ गया है यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी, और यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। इसी तरह इसी ऑप्शन पे वापस जाना है, तो हम बार बार इस ऑप्शन को यूज़ कर ले, इसलिए इस बार हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करते ही एड टू क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। अभी बार बार मुझे यहाँ से जाके नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पे इसका शॉर्टकट बन गया है। तो मैं इस इमेज को एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसके नीचे आके पेस्ट कर लेता हूँ। और इस बार हम लोग चौथा ऑप्शन इसमें यूज़ करेंगे, इस बार यहाँ से जाएंगे। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन हो गया था, अब ये चौथा ऑप्शन। आप देखिए इसको क्लिक करते ही 5 पॉइंट वाले पे ऐसा लग रहा है कि ये इमेज का साइज छोटा हो गया है। हालांकि इमेज का साइज सेम है, बट क्योंकि उसके एजेस जो है वो और सॉफ्ट होते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ से वाइटनेस बढ़ते जा रहा है ये जो साइड में कॉर्नर पर है, जिससे आपको लग रहा है कि पिक्चर और ये दोनों पिक्चर के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ गया है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। यहाँ से क्लिक करते ही ये वाला ऑप्शन हाईलाइट होने लगा है। यहाँ से हम जाके नेक्स्ट वाला ऑप्शन ले लेते हैं, 10 पॉइंट वाला। देखिए यहाँ पे और इमेज जो है थोड़ा और छोटा हो गया, ऐसा लग रहा है कि ये इमेज का साइज कम हो गया। हालांकि साइज उतना ही है, यहाँ पे जो एजेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही हल्का सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी ये इमेज। इसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं, यहाँ से नीचे आ जाता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। और अगले वाले ऑप्शन पे जाने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन के ड्रॉपडाउन पर क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ये, देखिए ये वाला मैंने ले लिया है। ये वाला ऑप्शन में इसका जो पॉइंट है वो बढ़ते गया है, 25 पॉइंट तक आ गया है। 25 पॉइंट के बहुत ही हल्का सा आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, वो अगर कोई ऐसे बाहर से देखेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। अभी आपने क्योंकि ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, इसलिए आपको ये पता है कि यहाँ पे एक इमेज डाली हुई है। इसी तरह से मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, नीचे आके पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए हल्का सा दिखाई दे रहा है। अब हम अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, और ये वाला ऑप्शन जो कि 50 पॉइंट का है। अब 50 पॉइंट करते ही आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है अभी, क्योंकि हमें पता है, हमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है कि एक इमेज डाली हुई है, अदरवाइज किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये इस तरह से एजेस में एजेस कम होते गए, लाइक पॉइंट बढ़ते गए एजेस के, तो यहाँ पे इमेज एक तरह से नहीं के बराबर ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम वापस से इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, ये मैं नीचे आ गया हूँ, सिलेक्ट किया इस पर। और इस बार इनमें से अगर मुझे कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है ठीक, तो मैं सॉफ्ट एजेस पर जाके खुद से थोड़ा कस्टमाइज कर लेता हूँ। तो कस्टमाइज करने के लिए यहाँ से प्रीसेट वाले जो ऑप्शन हमें बाहर दिखे थे, वही ऑप्शन हमें सब यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर इसको रहने देता हूँ, और साइज जो 50 पॉइंट था उसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैं कम करते जा रहा हूँ। तो जिस तरह से पॉइंट का साइज जो है वो कम होते जा रहा है, आपको इमेज पूरा पूरा दिखाई दे रहा होगा, और हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे इमेज हल्का हल्का गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 पॉइंट के बाद से दिखाई ही नहीं दे रहा है अभी, ये 35 पे तो नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो भी देखिए ऐसे लग रहा है कि खाली बॉक्स सा यहाँ पे है, कोई शेप डाला हुआ, पर ये शेप नहीं, हमने जो इमेज डाला था उसके जो एजेस है उनको सॉफ्ट करने की वजह से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो
हम यहाँ पे इसको देखिए 0 पॉइंट किया, पूरा इमेज दिखाई दे रहा है, और जैसे मैं 100 की तरफ जा रहा हूँ, 100 पर चला गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप सॉफ्ट एजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने इमेज को जिस तरह से आप मॉडिफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद सॉफ्ट एजेस वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है वो भी आपको पता चल गया होगा, इसको निकाल भी सकते हैं इस तरह से, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से वो ऑप्शन चला गया है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है और किसी और को भी मदद कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।